बीते दिनों सेक्टर 104 स्थित लोटस बुलवर्ड में एक कुत्ते ने एक 7 महीने के बच्चे को काट खाया था, जिसके बाद उस बच्चे की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद में जो नोएडा के निवासी हैं, नोएडा के अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके सोसाइटी से जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम्स में और स्टरलाइजेशन करने के बाद उनको शेल्टर होम में छोड़ दिया जाए। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो चिंतित हैं। पहले आप बताएं कि क्या चाहते हैं आप, अभी जो सिचुएशन चल रहा है कुत्तों को लेकर के आपकी सोसाइटी में? देखिए, अभी तक जो हमें जवाब मिलता था प्राधिकरण से, वो ये मिलता था कि भाई उनके पास जगह नहीं है, तो जो भी कम्युनिटी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, वो आपको खुद मैनेज कर रहे हैं और वो हम खुद मैनेज कर भी रहे हैं। अब बुलेवर्ड में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है। अब क्योंकि इतना गलत इंसिडेंट हुआ, अब वो एक्शन में आए हैं और अब वो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं जिसमें वो सारे डॉग्स को हटा रहे हैं। तो अब क्या बाकी सोसाइटीज़ में वो वेट कर रहे हैं कि इस तरह का इंसिडेंट हो तब हटाएं? अगर वो वहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया और वो हटा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हटाए जाएं और सारी सोसाइटीज़ में से हटाए जाएं जहाँ पर भी ये रिस्क है, क्योंकि ये रिस्क तो कंटिन्यूस है। आज वहाँ हुआ है, कल को कहीं और भी हो सकता है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है नोएडा अथॉरिटी से कि भाई जैसे वहाँ से हटाए जा रहे हैं बुलेवर्ड में उस इंसिडेंट के होने के बाद, यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट होने से पहले ही हटा दिए जाएं ताकि इस तरह का कोई इंसिडेंट होने की कोई गुंजाइश ना बचे। तो जैसे कि लोगों का कहना है कि अन्य जो सोसाइटीज़ में भी कुत्तों को हटाया जाए, तो क्या कभी आप लोगों ने प्राधिकरण से या जो अन्य दूसरे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे चर्चा किया, इस बात पर बात हुई है कभी आप? पिछले साल आदित्य जी इस सोसाइटी में इन कम्युनिटी डॉग्स को लेके काफ़ी शोर मचा, और क्योंकि मैं यहाँ पे एक डॉग फीडर हूँ और मेरे साथ कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो डॉग फीडिंग करते हैं, तो हमने नोएडा प्राधिकरण से बड़ी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, आप इन्हें किसी प्राइवेट बोर्डिंग में जाके रखाइए। तो उस प्राइवेट बोर्डिंग का प्रस्ताव जब हमने अपनी सोसाइटी में दिया, तो हम डॉग लवर्स को ये कहा गया कि ये पैसे खाते हैं, तो हमने वही बात छोड़ दी। आज जब मुझे, बिकॉज़ मैं एक डॉग लवर हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने बच्चों की तरह इन चारों को यहाँ पे पाला है, लेकिन इन सबके बच्चे भी जो आज यहाँ पे खड़े हैं मेरे बच्चों की तरह हैं। क्या मैं यहाँ पे इस चीज़ का कारण बनना चाहूँगी कि किसी के बच्चे को अगर कल को, क्योंकि देखो अगर प्राधिकरण के पास एक जगह है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे बच्चे सेफ्टी से रहे, तो अगर प्राधिकरण के पास जगह है वहाँ पे 40 कुत्तों को उठाया जा रहा है, तो हमारे 4 कुत्तों को यहाँ क्यों छोड़ा जा रहा है? हर सोसाइटी से कुत्ता हटाना चाहिए ना। फिर क्या मतलब कि अगर मेरी सोसाइटी में कल को भगवान ना करे ऐसी दर्दनाक मौत किसी बच्चे की हो, तो क्या तब हम जाके जब सड़कों पे लेटेंगे तब आप यहाँ से कुत्ते उठाने आएंगे? तो ये तो प्राधिकरण का फेलियर है ना। उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल की, बढ़ती गई, हमने स्टरलाइजेशन भी यहाँ तक अपने पैसों से कराई है इन कुत्तों की। जो भी रेजिडेंट्स हैं, जो भी निवासी हैं यहाँ रह रहे हैं, अगर हम वॉक करने निकलते हैं और एक गैंग आ जाता है कुत्तों का और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, तो अगर हम डटे रहे तो डेफिनेटली काटने का डर है, हमें वापस जाना पड़ता है। और जिनके बच्चे हैं, ओल्ड एज, कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग तो ठीक है भाई, आए चले गए, कोई बात नहीं। तो सच्चाई यही है कि सही बात है, जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे एनिमल्स के भी राइट्स हैं और उनको भी जीने का पूरा हक है, कहीं भी जिए अच्छी बात है, लेकिन हमें सब तरफ से सोचना होगा ना। लोटस बुलवर्ड में जो कुत्ते ने हमला किया बच्चे के ऊपर और बच्चे की मृत्यु के बाद, आप देख सकते हैं जो नोएडा के जो सेक्टर्स के अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके सोसाइटी में जो कुत्ते हैं, जो लावारिस कुत्ते हैं, उनको वापस जो है स्टरलाइजेशन करने के बाद में शेल्टर होम्स में भेजे जाए। और ये जो मांग है, ये डॉग हेटर्स और डॉग लवर्स की बात नहीं है, सारे जो सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटीज़ के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात को रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सारे कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।